नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अरेंज मैरिज में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पे पड़ता है। अरेंज मैरिज में लड़के और लड़की की बजाय फैमिली की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा होती है। भारत में अक्सर देखा जा रहा है कि लड़के से ज़्यादा परिवार को लड़की कैसी लग रही है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद कहीं जाकर लड़के या लड़की की पसंद के बारे में पूछा जाता है। दोस्तों, अरेंज मैरिज में एक सही लाइफ पार्टनर मिलने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जा सकती है और आप खुश रह सकते हैं। लेकिन कई बार अरेंज मैरिज के कारण लोगों को जीवन भर परेशान भी रहना पड़ता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अरेंज मैरिज में लाइफ पार्टनर चुनते समय अक्सर लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो चलिए, आप भी ये गलतियां ना करें इसके लिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी गलतियां आपसे हो सकती हैं, ताकि वो आप अवॉइड कर सकें। सबसे पहली गलती, कंपैटिबिलिटी को अनदेखा करना। अरेंज मैरिज में अक्सर लोग कंपैटिबिलिटी के अलावा बाकी चीज़ों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस और परिवार की आर्थिक स्थिति। माना यह सभी चीज़ें देखना भी ज़रूरी होता है, लेकिन आप इमोशनल लाइफस्टाइल कंपैटिबिलिटी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से आगे काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब अगली गलती, अपनी प्राथमिकताओं को इग्नोर करना। कई बार लोग फैमिली के प्रेशर में आकर अपनी प्राथमिकताओं को और इच्छाओं को इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लाइफ पार्टनर चुनने से पहले आप परिवार को सबसे पहले अपनी प्राथमिकता और इच्छाओं के बारे में बता दें, ताकि आपके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते समय वो इन बातों का ख्याल रखेगा। अब अगली गलती, वो है जल्दबाजी में फैसला लेना। कई बार लोग एक दूसरे को समझे बिना ही जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं। कई बार इसके लिए लड़के या लड़की पे रिश्ते को अपनाने के लिए फैमिली या फिर बाहर के लोगों का प्रेशर काफी ज्यादा होता है। तो अगर आप अपनी अरेंज मैरिज को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप एक दूसरे के बारे में सभी चीजों को अच्छी तरह से जान लें और बात करें। अब अगली गलती, वो है बात ना करना। अक्सर देखा जाता है कि दो परिवार मिलकर लड़के और लड़की का रिश्ता तय कर लेते हैं, और इन दौरान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बितानी होती है, उन दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं हो पाती। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लड़के और लड़की को शादी से पहले एक दूसरे से बात करने की अनुमति होती ही नहीं, या फिर कई बार अपनी इच्छा से वो आपस में बात नहीं कर पाते हैं। अरेंज मैरिज में ऐसा करने से आपको आगे चलकर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्ते की नींव को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे को समय दें और बातें करें। अब अगली गलती, खुद फैसला ना लेना। दोस्तों, अरेंज मैरिज में अक्सर देखा जाता है कि लड़का या लड़की रिश्ते के लिए फैसला लेने का पूरा अधिकार फैमिली को दे देते हैं, और शादी के बाद कोई दिक्कत होने पे पूरा दोष भी परिवार को ही देते हैं। ऐसे में अगर आप इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं और अपनी अरेंज मैरिज को सफल बनाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि फैसला लेते समय उनमें शामिल होने की कोशिश करें, ताकि आपका फैसला गलत ना हो, क्योंकि आखिर में जिंदगी तो एक दूसरे के साथ आप ही को ही निभानी है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, या आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।